तो मस्त यहाँ पे राफ्टिंग शुरू होने वाली है। तो भैया अभी ठुकते ठुकते यहाँ पे टैंकर भी आ चुका है और ना यार यहाँ से पूरा मौसम ही चेंज हो गया। ओह कुछ नहीं दिखाई दे रहा आगे। अरे भाई ये क्या चीज़ यार, डिमांड तो कल किट्टू का बर्थडे है तो आज मैं जा रहा हूँ किट्टू का बर्थडे मनाने के लिए घर। और देखते हैं अभी तो टाइम लगभग 2 बज चुके हैं, शाम हो जाएगी मुझे मस्टकाल तक पहुँचते पहुँचते, तो मैं वहीं रुक जाऊँगा। अगर नहीं होगी तो मैं सीधे तब सेलना चला जाऊँगा जहाँ मेरी दीदी का ससुराल है। भाई 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 बसड़ बसड़ है बसड़ 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 बसड़। और लोकल होने का एक फ़ायदा होता है कि आपको गलियों का पता रहता है, तो आपको जो मेन रोड में जो भी ट्रैफिक है ना वो नहीं झेलना पड़ता है। भसड़ भसड़ लेकिन तब भी थोड़ा बहुत तो यार भसड़ रहेगी रहेगी, राम झूला लक्ष्मण झूला साइड। तो भैया ऋषिकेश की बाज़ार की मेन मंडी है और देख लो चारों तरफ सब्जियाँ ही सब्जियाँ। मुझे लेने थे अनार, तो देखते हैं जहाँ पे बढ़िया से अनार होंगे अनार लेते हैं। अनार क्या दिए? 160। पेट्रोल का रेट चल रहा है 94.94। वाह मस्त रोड खाली हो गई। ये पहुंचे हम तपोवन। तो भसड़ हो चुकी है ख़त्म और नज़ारे शुरू हो गए हैं यहाँ से मस्त मस्त दिखना। और भाई ये है बद्रीनाथ हाईवे और यह है पूरा तपोवन। क्या मस्त लग रहा है यार, और राफ्टिंग भी शुरू हो रखी है तो राफ्टिंग कर रहे हैं लोग। क्या कमाल के नज़ारे हैं यार, इनको कैप्चर करना तो बनता है, रील पे डालूँगा। अरे भाई तो भाई उसने मेरी गाड़ी स्टार्ट थी, अगर एक्सीलेटर वाला घूम जाता तो मैं घूम जाता। तो इसीलिए बोलते हैं यार कि गाड़ी हमेशा पहले बंद करो। इंडियन आर्मी के यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं। जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। तो यहाँ पे टूट रखा है तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा जाम लगता हुआ। यह है गरुड़ चट्टे का पुल और यहाँ से मस्त नीचे बह रही है गंगा नदी। तो मस्त यहाँ पे राफ्टिंग शुरू होने वाली है और देख लो कितनी सारी बोटें हैं। अब यहाँ से लक्ष्मण झूला तक ये राफ्टिंग करेंगे और यहीं पे एक गुफा भी है। तो भैया भी ठुकते ठुकते बची दोनों गाड़ियाँ। ये देखो भाई यहाँ पे क्या खतरनाक टूट रखा है, सब अपना वीकेंड मनाने यहाँ आ रखे हैं। गट्टू घाट पूरा ऋषिकेश पूरा सब पैक होगा वीकेंड पे। तो ये मैं रुका हूँ चाय पीने के लिए बिजनी में और टाइम हो गया है 3:24। तो चाय भी पी ली है और यहाँ पे एक क्यूट सी बेबी है। हेलो हेलो। तो ये मेरे पीछे बिजली वाटरफॉल है और यहाँ पे टैंकर भी आ चुका है और पीने का पानी जा रहा है यहाँ से इस टैंकर में। नमस्ते। अच्छा तो ये टैंकर कहाँ जाएगा पानी? गेंड खाल जा रहा है। अच्छा तो गेंड खाल जा रहा है ये। तो यार ऊपर ऊपर आते ही अब ठंड भी लगना शुरू हो गई है, तो अब क्या करते हैं जैकेट पहन लेते हैं।
तो अभी मैं रुका हूँ बिजनी से आगे, और यह है बिजनी, और यहाँ पे बिजनी वालों के खेत कितने छोटे छोटे हैं, और उनमें ये पीला पीला जो दिखाई दे रहा है वो फसल काटी होगी तो वो सुखाने रख रखा है। बाकी यहाँ पे एक गाँव है मस्त सा, और ये ह्यूल नदी, और आगे बंगी जंपिंग भी दिख रहा है यहाँ से, और हल्का सा ही यहाँ पे तपोवन भी दिख रहा है, और देख लो चारों तरफ बादल ही बादल लगे हैं। नमस्ते, ये कोल कहाँ से मुड़ी? नॉट अच्छा, ये पूरा अच्छा कत कपड़ कहाँ से? 20-25 माँ अच्छा, चलो ठीक है। तो नज़ारे देख लो कितने शानदार हो रखे हैं यहाँ, लग रहा है ना कमाल का। और ये वाला गांव, ये वाले फूल कितने सही लग रहे हैं यार, रोड के किनारे अपने आप ही हो रखे हैं ये प्राकृतिक फूल। ये देखो, ये पहुँचे हम धारी बाजार, और यहाँ नीचे है धारी गांव, और यहीं की रेनोविस्ट है जो हमारी विधायक है। रुक जा बोला, खतरनाक यार, यहाँ से पूरा मौसम ही चेंज हो गया, ठंड भी बढ़ गई यहाँ से, और यहाँ पे चल रहा है काम सोलर पावर प्लांट का। भाई यार क्या मस्त बादल उड़ रहे हैं यार, ये देखो यहाँ पे अब रोक ही देते हैं यार, देखो क्या मस्त उड़ रहे हैं बादल। चलो यार अगर रुका तो मुझे अंधेरा हो जाएगा। वाह वाह क्या मस्त नज़ारे, ओहो कुछ नहीं दिखाई दे रहा आगे, कोहरे के अंदर घुस गए हम। ये आगे देवी खाल भी नहीं दिख रहा भाई, ये खतरनाक कोहरा भाई यार। और ये है देवी खाल, और बादलों के उस साइड है देवी मंदिर, और मंदिर काफ़ी फेमस है, किसी दिन जाना था पर टाइम ही नहीं मिलता यार। बाकी इस साइड तो मौसम खुल रखा है, लेकिन इस साइड पूरा मौसम पैक हो रखा है। और यहाँ से चेलुसेन 22 किलोमीटर। तो भैया अगर पहाड़ में जा रहे हो तो प्रॉपर कपड़े पहन लो, क्योंकि ठंड खतरनाक लग रही है। अब यह है कि अब जैसे मेरे हाथों में खतरनाक ठंड लग रही है, पर आजकल तो ये है कि चल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद और ठंड बढ़ जाएगी तो भाई नहीं चलने वाला, हाथ पूरे सिकुड़ जाएंगे और सुन भी हो जाएंगे ठंड से। बाकी भैया ले गए हैं अपनी बकरियां घर की ओर, पहाड़ों का जीवन इन्हीं पे चलता है भाई। ओहो डर गया ये, तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं मस्ताल, और आज मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि अंधेरा भी हो गया है। तो कल चलेंगे किट्टू के बर्थडे में, और कड्डे और केक की डिमांड भी देनी है भाई। जा 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 जा। तो अभी मैं और अमित चाचा जा रहे हैं चेलुसेन केक की डिमांड देने के लिए। ना क्या मस्त लाल हुई, केक का डिमांड दी थी बोला को 10 बजे तक, 2 पाउंड। तो केक का ऑर्डर देने के बाद हम आए हैं दाना पानी रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए, तो चाय पीते हैं उसके बाद फिर चलते हैं। तो ये रेस्टोरेंट है दाना पानी, तो ये हैं इस रेस्टोरेंट के मालिक भैया। हेलो भैया। हेलो। A few moments later. तो अंधेरा भी हो गया है, और फ़ोन की जो फ्लैश है वो अभी काम कर रही है, वरना GoPro पूरा अंधा हो जाता है, ये देख लो। और चेलुसेन में एक अच्छी बात यह है कि नई बेकरी खुली है, तो इस वजह से केक मिल जाता है, पेस्ट्री और बर्थडे का जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो वहाँ मिल जाती है, और बेकरी के जो बिस्किट हैं वो मिल जाएंगे। तो ऑर्डर भी दे दिया है, और कल ले जाएंगे किट्टू के बर्थडे में वो वाला केक जो ऑर्डर दे रखा है, और बाकी कल दिखाऊंगा जो भी है।
और अभी मैं रुका हूँ जहाँ से शॉर्टकट रास्ता जाता है मस्टकाल के लिए, और यहाँ से मस्टकाल कुछ ऐसा दिख रहा है रात को। और भाई यहाँ पे पूरा सुनसान है। और इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं, आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड। और A few moments later. ये क्या चीज़? ये वो कर दी मत यार। ये वो कर मत। जैक ऑल से नहीं, जैक ऑल। यहाँ पे हमें तीन सियार। यार वो भाई हो कहाँ? अच्छा हाँ। तो यहाँ पे हमें तीन सियार दिखे अभी, जंगली वो भी। कॉल तो तुम भी नहीं चल रहा। बाघ हर जगह लगी हो।